में के ठट्टा की केंजर झील में पिकनिक मनाने वालों की कश्ती उलट गई, 10 अफराद जा बहक हो गए। कराची के इलाके महमूदाबाद की फैमिली पिकनिक के लिए केंजर झील गई थी। जा बहक अफराद में 8 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया है 2 अफराद को बचा लिया गया जबकि 1 फर्द की तलाश जारी है। ये वाकया अफसोसनाक पेश आया है। पिकनिक मनाने गए लेकिन मौत गले पड़ गई। ठट्टा की केंजर झील में पिकनिक मनाने वालों की कश्ती उलट गई, 10 अफराद चले गए। कराची के इलाके महमूदाबाद की फैमिली थी जो पिकनिक मनाने के लिए केंजर झील गई थी। जा बहक अफराद में खवातीन के साथ 2 बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने बताया 2 अफराद को बचा लिया गया है, 1 फर्द की तलाश हाल जारी है। बड़ा नुकसान है ये, 8 खवातीन समेत 1 बच्चा, 9 अफराद इसमें जा बहक हुए हैं। और साथ आपको ये भी बताया कि केंजर झील जो कि एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है, लेकिन यहां पर अब सवाल उठ रहे हैं कि सहूलियात क्या हैं, क्योंकि यहां पे लाइफ जैकेट्स दी गई या नहीं दी गई, जो दी गई पहनाई गई वो कितनी कारामत थी, जिस किश्ती में ये जा रहे थे वो कितने आगे तक गई थी, क्योंकि नूरी जाम तमाची का जो मजार है वो केंजर झील के बिल्कुल एन वस्त में है जहां पर गहराई बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद ये कहां डूबी है और डूबने के बाद जो रेस्क्यू टीम थी वो कितनी देर में यहां पर पहुंची है, ये तमाम के तमाम तफसीलात जो हैं वो अभी जानना बाकी है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो है लांचे ढूंढ, तो केंजर झील में हादसे का शिकार होने वाली फैमिली स्पीड बोट के जरिए नूरी के मजार पर जा रही थी। झील पर मौजूद है एआईवाई न्यूज के नुमाइंदे एजाज वरियो, उनसे बात करते हैं। एजाज बताइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा की किंजर झील पर। किंजर झील पर जो कुछ देर पहले हादसा पेश आया था जहाँ पर 13 अफराद कश्ती में सवार होकर नूरी की मज़ार पर जा रहे थे कि उनकी कश्ती उलट गई थी। टोटल 2 बच्चे और 7 खवातीन जो है इस वाक़े में जो है वो जाँ बहक हो चुकी हैं। इस वक्त किंजर झील पर रेस्क्यू का अमल जारी है। यहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानब से जो है गोताखोर भी लाए गए हैं और मकामी अफराद भी कोशिश कर रहे हैं। ज़िले इंतजामिया के नुमाइंदगान डिप्टी कमिश्नर ठट्टा, SSP ठट्टा और मकामी जो गोताखोर हैं वो भी यहाँ पर जो है इनकी जो मदद कर रहे हैं। और इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर उस्मान तनवीर ने, उनसे बात करेंगे। उस्मान तनवीर साहब, आप हमारे साथ क्या मालूमात शेयर करेंगे, किस तरह ये वाकया पेश आया और क्या डिटेल है इसकी सारी? हाँ जी, ये आज 3 बजे के करीब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया। 13 पीपल वर ऑन बोर्ड, ऑल ऑफ देम लेडीज, और ये एक वुडन बोट थी। इस पे इंतजाम के हवाले से मैं बताता चलूं कि हमारा सेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट का यहाँ सेटअप है जहाँ से बोटिंग एक्टिविटी रेगुलेट होती है। हमने जो विजिटर्स को लेके जाने वाली बोट्स हैं उनको रजिस्टर किया हुआ है, उनके ऊपर ये लाइफ जैकेट्स भी होती हैं। हाउएवर आज जो था ये वुडन बोट थी, ये फिशिंग बोट थी। ये प्राइवेट बोट थी या टूरिज्म डिपार्टमेंट की थी? ये प्राइवेट बोट थी, फिशिंग बोट, वुडन बोट थी, प्राइवेट बोट थी। उसके ऊपर 13 खवातीन सवार हुई हैं, वो एक चक्कर लगा के आए। स्पीड बोट थी, इंजन लगा हुआ था, और क्या इसमें गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हो गए थे? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि गुंजाइश तो इस साइज की कश्ती में तकरीबन इतनी ही होती है। ये एक चक्कर लगा के आए, दूसरा चक्कर लगा के आए, ये तीसरा चक्कर गए थे और ये कोई ज्यादा दूर नहीं थे। हार्डली ये 500 मीटर अवे, जहाँ पे इस वक्त मैं रेस्क्यू एंड रिस्पॉन्स सेंटर पे बैठा हूँ, तो ये सामने बिल्कुल नजर आ रहा है जहाँ पे ये गए थे। 13 लोग थे, 3 सर्वाइवर्स थे, 3 सर्वाइवर्स वेरियंग एज के थे, 10 जो है वो डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं। अभी हम इनको, जैसा कि आप बता रहे हैं कि STDC वाले भी यहाँ पे ऑब्वियसली बैठे हुए, तो लाइफ गार्ड्स, अगर आप कह रहे हैं कि इतनी दूर नहीं गए थे ये, तो लाइफ गार्ड्स पहुंचे वहां पे, नहीं पहुंचे, ये कोई कोताही हुई? बिल्कुल पहुंचे जी, 3 सर्वाइवर जो हैं उनको, ये जो हमारा STDC की सर्वाइवर, ये जो रेस्क्यू की बोट्स हैं, ये इन्होंने ही जाके उनको किया है। पानी बहुत गहरा होता है किंजर में और ये आज रफ वाटर था, हवा भी बहुत तेज थी, तो ये इंसिडेंट इस तरह से पेश आया। ऑब्वियसली सर, वेदर के हिसाब से भी होता है, तो STDC की तो अपनी बोट्स हैं, लेकिन जो प्राइवेट बोट्स हैं उन पे कोई चेक होता है कि अगर टाइड ऊपर आई हुई है और अगर हवा ज्यादा है तो उनको जाने से रोका जाए? मैंने अर्ज किया कि हमारी STDC जो विजिटर्स पे, विजिटर्स के लिए जो कश्तियां मुख्तस की गई हैं वो सारी की तर हैं, उनमें लाइफ जैकेट्स होती हैं और वो फाइबर की बोट्स होती हैं, और बताया उन्होंने कि कैसे चक्कर लगाना है।
तो क्या आप इसकी जाहिर ऐसे वाकयात फ्यूचर में ना हो तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या कोताही हुई है, किसकी गलती है ये और कैसे बचा जा सकता है इन वाकयात से, कीमती जाने चली गई हैं। इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग विजिट करने आते हैं वो यहाँ प्रॉपर जो हमने जिस तरह से सेफ्टी रिजीम इन्फोर्स किया हुआ है उसको वो हदायत पे अमल करें, वो पानी में ना उतरें, वो ऐसी कश्ती पर। और ऐसी क्या सेफ्टी रिजीम थी जिन पर इन मरने वालों ने अमल नहीं किया, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों को उस पर बिल्कुल पाबंदी करनी चाहिए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये फिशिंग बोट पे लकड़ी की कश्ती जो कि हमारे एसटीडीसी के पॉइंट पे नहीं मौजूद होती, ये आउट से किसी साइड से उस फिशिंग बोट पे बैठ के निकली है खवातीन। हमारे पास 56 स्क्वायर माइल्स में ये किंजर का एरिया है और इसको किसी साइड से भी एंटर हो सकती है कश्ती। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो विजिटर्स के लिए पॉइंट बना हुआ है सेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, बिल्कुल ये आप पॉइंट टेकन। आपकी बोट्स ज्यादा बेहतर हैं, आपके पास जो इक्विपमेंट है लाइफ सेविंग भी जैकेट्स में वो भी बहुत ज्यादा है और लोग ऐसा भी कह लें कि कुछ पैसे बचाने के लिए इन प्राइवेट बोट्स पे बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अब इस पे तो चेक होना चाहिए ना। अगर आप ये चीज कह रहे हैं कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए इन बोट्स पे बैठ रहे हैं जो कि अनसेफ है, तो वो अनसेफ बोट्स वहां पे हैं क्यों? जी वो जी फिशरमैन अपनी बोट्स चलाते हैं, लेकिन इस पे जितनी भी लोगों की जानो माल की हिफाजत करने के लिए केयर प्रिकॉशन की जाए उतना ही बेहतर है। फिलहाल के लिए बोटिंग एक्टिविटी मैंने स्टॉप कर दी है, कोई भी किसी किस्म की बोट ये किंजर पे जो है वो पानी में नहीं जाएगी। यू बेटर नो कि जो मछुआरों की ये जो लेट मी फिनिश दी प्लीज, जब तक हम अब इसको अपने इसको रेस्क्यू को अपग्रेड नहीं कर लेते और फुल प्रूफ नहीं कर लेते हम यहाँ पे बोटिंग एक्टिविटी नहीं होने देंगे। और ये प्राइवेट जो लॉन्चेस हैं इनके बारे में सबको रोक देंगे जी, सबको रोक देंगे, रोक दिया मैंने। और जिम्मेदारी फिर इनके इन 10 लोगों की किस पे आई होगी? आज भी जो बोट फिशिंग बोट लेके गया है उसके ऊपर कानून जो बनता है उस पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है उस्मान तनवीर, डीसी ठट्टा हमारे साथ मौजूद थे और आपके पास जो तफसीलात थी वो आप हमसे शेयर कर रहे थे। मज़ाहिर ये लगता है कि जो एसटीडीसी ने इंतजामात किए हैं उनके बरक्स जो वहाँ पे प्राइवेट जो मछेरे हैं उनकी लॉन्चेस चलती हैं, अगर ऐसा भी है और वो अनसेफ हैं तो ये रोकने की भी जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट पे आयद होती है। बहुत शुक्रिया आपका।